तुझको क्या परवाह। वो क्या करता है? बहुत अमीर है वो, उसका अपना शोरूम है और आपको पता है इसके अलावा भी उसके बहुत सारे कारोबार हैं। ये आपका जाती मामला है जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके घर से म्यूजिक, मोहब्बत और एतबार का जनाजा उठ गया। जी फरमाइए। आप फरवा की गुमशुदगी और अगवा का पर्चा करवाइए और यहाँ मैं अपनी कार्रवाई करता हूँ। आखिर इन दराजों में ऐसी कौन सी चीज है? कोई खास चीज नहीं है, लेकिन आम भी नहीं है। जब बच्चे आपके बनाए हुए घोंसले में नक्श निकालने लगे ना, तो समझिए कि सूरज डूब रहा है। आप पूरे 10 मिनट लेट हैं। बहुत रश था बाहर सर। इस वक्त रश इस इलाके में? मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रही थी, डिस्टर्ब हो गई थी सारी, इसलिए देर। इस मॉडल की गाड़ी की असल कीमत के ऊपर 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, अभी से गड़बड़ होने लगी। मतलब बॉस घर है, कोई बैंक में बिल थोड़ी जमा कराने आए हैं। आई मीन लुक एट माय वॉच, 10 मिनट ऊपर हुए। ओके, कल सुबह 9 बजे शाम। बॉस बात तो सुने, आपके कौन से बच्चे रो रहे हैं, आपने डायपर चेंज करने, 10 मिनट में क्या गेस जाना आपका? अगर बात करनी है तो कल सुबह मिलेंगे तमीज से। गुड नाइट फॉर नाउ। और तुम चुपचाप चले गए? हाँ तो और क्या करता, उधर दंगा फसाद करता मैं। कुछ तो कहते। और क्या कहता? यही तो मसला है, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी जात पे उंगली उठाए और कहे कि तुम पसंद की शादी कर रही हो रही है वो। ओहो, गोगी सर को पता है इस बारे में? हाँ तो बाकी दुनिया का तो नहीं ना पता ना, चूहे के मुंह वाला मुलाजिम है वो, सारी दुनिया को ये बताता फिरे कि बीबी साहिबा का जो आशिक है उन्होंने सर की चंगी धुलाई की है, फायदा? ओहो तुम रहने दो, मैं सर से खुद बात करूंगी। और तुम उनके बताए हुए टाइम पे बिल्कुल नहीं आ रहे हो, समझे तुम? पागल नलायक पांडी, अजीब पत्थर के मुंह वाला मियां तुम्हारा, नलायक दोनों ही नलायक, बेड़ा कर दोनों का नलायक, नलायक हो तुम दोनों ही नलायक हो। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा, ये कोई तरीका नहीं है कि हजरत किचन में खड़बड़ खड़बड़ होती रहे। तुम देख लेना बेगम, यहाँ भी वो हमें शर्मिंदा कराएगी। बातें बार बार दोहराने से सच हो जाती हैं, प्लीज ये बात बार बार मत दोहराइए। आपने भगा दिया उसे और बात भी नहीं की उससे, क्यों? मैं बता रही हूँ आप सही नहीं कर रहे हैं। तुम ठीक कर रही हो? हाँ। तुम अपने पेरेंट्स से कब से नाराज हो? क्या नाराज? क्यों, मैं कोई वही नाराज नहीं हूं। फरवा तुम लोगों को मिलना चाहिए, तुम्हें सईद साहब और बेगम सईद को। आप ये छोड़ दें कि मुझे किससे मिलना चाहिए किससे नहीं मिलना चाहिए, एंड माइंड योर ओन बिजनेस। जानती हो माइंडिंग वन्स ओन बिजनेस इज अ फुल टाइम जॉब, और मैं तो पहले ही एक जॉब कर रहा हूं। आप मजाक समझ रहे हैं? अरे तौबा, इतना भयानक मजाक? आप इसलिए हैरान हो रहे हैं ना कि मेरे माँ पापा ने आसमा के इतने गंदे इल्जाम पे यकीन कैसे कर लिया? मैं ही क्या, जो भी इस सूरत हाल को देखेगा वो यकीन नहीं करेगा। जी क्योंकि आपको मेरे साथ रहते हुए ना थोड़ा सा अरसा ही हुआ है, मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ ना बचपन से रहती हूँ, अच्छी तरह से जानते हैं मुझे वो कैसी हूँ मैं ना अपनी जिद के आगे कुछ बर्दाश्त नहीं करती, सुन ले ये बात आप। और अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ होता है तो मैं ना मैं।
मुझे तो डर लग रहा है। डरना भी चाहिए आपको मुझसे, बहुत डरना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं आपको, गोगी टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपको उससे फिर भी मिलना पड़ेगा, समझ आई? अच्छी तरह से समझ लें, आप ही के लिए अच्छा है, सुन लें। जी जी आप भिजवा दीजिए, मैं ट्रेन खुद ही कर लूंगी। जी ड्राइवर भी चाहिए, दो फैमिलीज हैं। जी 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 मैं इंतजार करूंगी। जी कैसे हैं हमारी जान, करवा से बात हुई? इतने बड़े वाकये के बाद अब अचानक? इस दुनिया में बहुत कुछ होता है मुमानी जान, मैंने खुद देखा है। और फरवा ने सर के साथ शादी करके जो हिमाकत की थी, उसके बाद उससे तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आपको मेरी इंटेंशंस पे शक हो रहा है, देन आई एम सॉरी। मैं तो आपको ये बताने आई थी कि मैं और जुनेद वेकेशन पे जा रहे हैं आज ही। और वो घर? वापसी पर। तुम्हारे सास ससुर? वो जहाँ है वही रहेंगे, और वैसे भी मैं सिर्फ एक मंथ के लिए तो जा रही हूँ। क्यों, जब मैंने कहा है कि सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनेगा और शाम को किचन में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो आप क्यों नहीं सुन रहे ये बात? वो कोई सवाल नहीं सुनूंगी मैं। भाई 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 क्या क्या हो गया सर? वो बीबी जी कह रही है कि रात को खाना ताजा नहीं पका करेगा। जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही होगा, ये कोई तरीका नहीं है कि हर बार किचन में खड़बड़ खड़बड़ होती रहे। ठीक है यूनुस, आप जाएं, और जैसा बीबी कह रही है वैसा ही होगा। ठीक है सर। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? आप चलो नाश्ता करो। मुझे कोई नाश्ता वास्ता नहीं करने, एक तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। सुरैया भला कोई बरसों आजमाने के बाद पूरी होने वाली दुआ को इन मामूली बातों के पीछे ठुकराता है। यार क्या बेइज्जती हुई है तेरी, इंग्लिश बेइज्जती हुई है यार। गोगी तेरा ना रिकॉर्ड लगाने का आज बहुत दिल चाह रहा है। मैं ही पागल हूं, अच्छी भली उस दिन आई थी, खामखा मैंने मना कर दिया। यार मेरे तो दिमाग में तेरा प्लान बी सवार था, तेरा प्लान बी। मेरा? अच्छा वो छोड़, ये बता तूने वो जाके क्या कहा था कि मैं 10 मिनट में घिस तो नहीं गया? हाँ तो और मैं क्या कहता, अब कुछ तो बोलना था ना, तो बोंगी मार दी। मैंने कहा 10 मिनट पहले आता तो कौन सा कश्मीर फतह कर लेना था। कश्मीर? वो भी 10 मिनट में कश्मीर फतह? तो दोस्तों के रूप में ना काला नाग है। अच्छा वो छोड़ दे। ये बता कि अब क्या करना है? देख तू 9 बजे तो गए नहीं, 10 मिनट लेट था। अच्छा अब बता क्या करना। मैं तो जा रहा था, फरवा ने मुझे रोका था। यार तोते की नाक वाला जो है ना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का बाबा, तो देखिए फरवा उसके नाक में दम कर करके, चीती है शहजादी है पीच है। अच्छा देख एक बात बताऊं, तेरा ये प्लान भी फेल होगा, तुझे खुद ही जाना पड़ेगा, वो भी उसी के तरीके पे और उसी के बताए हुए टाइम पे। आसमा घर नहीं बनवा रही, एक माह के लिए बाहर जा रही।
माशाल्लाह, इस कदर समझदार लड़की है आसमा। उसने आपकी नागवारी महसूस कर ली है बेगम, और बजाय इसके कि वो अपनी बात पे अड़ती या ढिठाई इख्तियार करती, किस जिम्मेदारी से माजरत कर ली है और अपने सारे प्लान बदल लिए ताकि वो इस मंजर से हट जाए। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फरवा उसका तो दिमाग खराब है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, पढ़ूंगी नहीं शादी करूंगी, ये अब शादी की है तो रहना नहीं है। तो रह तो रही है, कब तक? तुम देख लेना बेगम, यहां भी वो हमें शर्मिंदा कराएगी। बातें बार बार दोहराने से सच हो जाती हैं, प्लीज ये बात बार बार मत दोहराइए। तो क्या करूं, चक्कर लगाता रहूं, अब तक नाराज है वो। ये भी अजीब मामला है, और वो सर्टिफिकेट निकल आएगी ये बिल्ली भी थैले से। लेकिन मान लीजिए बेगम, ये बिल्ली भी फरवा ही ने थैले में बंद किया। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं। भूख नहीं है या बासी खाना नहीं खाते? मैंने ना गोगी को पेपर्स बनवाने का कह दिया। फरवा, मैं तुम्हारी किताबें मंगवा लेता हूँ घर से, कम से कम नॉवल तो पूरा कर लो। क्या है सर, आपको एक बार समझ में नहीं आती? आराम से बात करो फरवा। नहीं करूंगी आराम से बात। चलो अब जाओ, सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। बात सुने आप मेरी, गोगी जो है ना बहुत बड़ा भाई है, आपके सामने खड़े नहीं रह सकते ज्यादा देर। मैं उसके सामने क्यों आऊंगा? अगर आप नहीं आएंगे ना तो वो आपके रास्ते में आ जाएगा। वो मेरे रास्ते में पहले ही आ चुका है। ओहो सर, आप मेरी बात कान खोल के सुन लें, मुझे ना गोगी बहुत पसंद है, वो मेरे टाइप का इंसान है, सीधा सच्चा, आप लोगों जैसा नहीं है। आप लोगों जैसा आजमा, आप भी जैसा जुने, जैसा सड़ावा, जिनको तो इंसान कह ही नहीं सकते। मैं ना गोगी को पसंद करती हूँ और सिर्फ उसी के साथ खुश रह सकती हूँ, और आप हमारे दरमियान से ना जरा हट जाएं। मोहब्बत एक ऐसी आग है जो तभी गुलजार हो सकती है जब हुब और महबूब दोनों तरफ बराबर लगी हुई हो, और अगर मोहब्बत में जरा बराबर खोट हो तो सब जल जाता है। ये आप ना मेरे सामने ज्यादा डायलॉग्स ना मारे। जिस आग में तुम खड़ी हो वो तुम पे कभी गुलजार नहीं हो सकती, कभी भी। देख लूंगी मैं सारे के बच्चे को। ओ सुनो सुनो सर, ना कंचन भी ले आना, एक अटफायर भी कर देना, डर जाएंगे, रो पड़ता है ना। किसको क्या परवाह आएंगी, वैसे भी ना गोगी हर तरह के कागजात बना सकता है, जैसे एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट। ये तो ऐसे हुआ कि हम आसमा के जाने के बाद आपको कह दें कि आप भी जाएं। नहीं देखिए, मेरे इस फैसले का आसमा के आने जाने से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो आपसे सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। कैसी बात? देखिए, मैं और मेरी बीवी अब उम्र के उस हिस्से में हैं जब इंसान एक जगह टिक के बैठना चाहता है। आसमा में बहुत ज्यादा एनर्जी है, उसे मैं एक जगह महदूद करके रखना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हम दोनों अब जुनैद के साथ नहीं रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने सोचा है कि मैं ये वाली कोठी जुनेद को गिफ्ट कर दूँ और हम और तुम अपने सोसाइटी वाले घर में शिफ्ट हो जाए। जुनेद मेरी इकलौती औलाद है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये फैसला मैंने इन दोनों को देख के किया है। फरवा भी तो इनकी इकलौती औलाद है, वो कितनी दूर चली गई इनसे। मैं जुनेद को खोना नहीं चाहता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा मतलब है ये भी तो आप ही का घर है, वो आप लोग यहीं रहिए। वो आपकी बहुत मेहरबानी बेगम साहब, लेकिन मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहता। भाई साहब ये तो फिर आपने बिल्कुल गैरों वाली बात की है ना। देखिए गैरों वाली बात करता तो आपसे शेयर ही क्यों करता है सब कुछ। चलें ठंडा पीजिए, चाय भी आ जाएगी। तुझको क्या परवाह, ओ फरवाह, तुझको क्या परवाह। पलकों से गिरती सुनो, अब ना तुम्हें भाई लोग बनना पड़ेगा, तुम्हें सर को डराना पड़ेगा, समझे? यार आई एम अ डिसेंट मैन, तौबा करो यार। गौर से सुनो, अब सारे प्लान भी गए बाहर में, अब तुम सर से मिलोगे और उन्हें खौफनाक खौफनाक धमकियां दोगे। क्यों? पर ऐसा मैं क्यों करूंगा? क्योंकि मैं कह रही हूं। अच्छा यार चलो ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, हो जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ सही है। ओ सुनो सुनो सर, ना कंचन भी ले आना, एक हाथ फायर भी कर देना, डर जाएंगे, रो पड़ता है ना। सही है, ओके बाय। हेलो मामा कैसी हैं? ठीक है, तुम ठीक हो? मुझे क्या है, ठीक ही हूँ। नहीं बहुत दिन से आई नहीं थी ना, तो वैसे बेकसूर निकाला आपने तन्वी को, बहुत बुरा किया। अब छोड़ो उसको, पुरानी बात हो गई है, अब हो गई गलती ना। अब आस्को वगैरह जा रहे हैं, फिर भाई साहब भी। अच्छा मुस्तंसर कहाँ है? तैयार हुए। ओ कहीं जा रहे हैं बाहर? नहीं तो आदमी आ रहे हैं, मीटिंग है उनकी, बहुत जरूरी। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा।
वो तुम्हारी मामा भी आना चाह रहे हैं, तो उन्हें बताता हूँ। अच्छा बेटा चलता हूँ। तुझे यकीन है ना कि तू ठीक कर रहा है? क्या हो गया यार? ठीक है, जो भी कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अव्वल तो मुझे फरवा की बात मान लेनी चाहिए थी। तूने खामखा ये प्लान बनाया था सारा, और वो भी फ्लॉप वाला। अच्छा, मेरा प्लान फ्लॉप था? प्लान ए का भी तो जिक्र करो, वो भी फ्लॉप था। बस ठीक है ना यार, जलीली करने पे आ गया तू तो। लेकिन तू देखिए अब जो गोगी करेगा सारा जमाना देखेगा होते हुए। भाई जरा होली, हाँ देखो ये कमजोर ना समझना उन्हें। वैसे मैंने सुना है कि ये उस्ताद ना बड़े खबीस होते हैं। ये कोई खबीस नहीं होते, इतने खबीस होते तो मुझे मैट्रिक करवाते सबसे पहले। इस दुनिया में अगर कोई खबीस है तो तेरा भाई गोगी। मुझसे खबीस दुनिया में कोई नहीं, आने दे इनको, जरा देखता हूँ। यार ठीक है ठीक है, लेकिन देख जो भी करेगा ना वो सोच समझ के करना, बात आगे ना बढ़ जाए। बेटा बढ़ती है तो फिर बढ़ने दे। अच्छा यार फिर मिलेंगे। से बुढ़ा गोगी और पिस्तौल, कमाल का कॉम्बो। एक बात मैं आपको बता दूं, हमने ना सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप... तुम एक ऐसे शख्स की शरीक हयात बन जाओ जो बिल्कुल तुम जैसा हो, और आइंदा जिंदगी में तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स ना हो, राइट? हाँ। ये तो पहले मैं समझ चुका था, अब किसे समझा रही हो ये? आपको क्या पता कितनी आंखें हैं मेरे ऊपर। अच्छा छोड़ो, ये बताओ वो गोगी को आना था कागजात लेकर आज? जी गोगी ना आने वाले है। और एक बात सुन लें आप, चुपचाप आप साइन कर दीजिएगा वरना ना। क्या वरना? क्या फरवा? वरना अंजाम की जिम्मेदारी आप खुद ही होगी। और अगर मैं साइन ना करूं तो क्या होगा मेरा अंजाम? मत करें, किसको क्या परवाह है साइन की। वैसे भी ना गोगी हर तरह के कागजात बना सकता है। जैसे एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट। वो भी गोगी नहीं बनाया था। क्या करूं मैं, अम्मा पापा मेरी जान ही नहीं छोड़ते थे, जीने ही नहीं देते थे मुझे चैन से। बहुत दुख की बात है, इस सर्टिफिकेट की वजह से तनवीर दर बदर हुआ। जी नहीं, आसमा की वजह से, मिसेस की दवाई की वजह से। और पर...
आप ना शराफत से साइन कर दीजिएगा, बता रही हूं मैं। आप ना अपनी बातों से हमें घेरना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि गोगे पढ़ ले। ओए मैंने ये माथे में मारी, खबरदार किसी ने मुझे पढ़ाने की बात की, मैं बता रहा हूँ मैंने गोली मार देनी। मैं तो सोच रही हूँ अब लोगों की ऑफर्स कबूल करनी शुरू कर दूं। तौबा करो सिल्की। तुम कर लो ना मेरे से की तौबा, मेरा भी वक्त नहीं आया है। मैं जाऊंगा उसके पास, जरूर जाऊंगा। और तुम फरवा कौन होगा, कौन होगा, कहाँ है कुत्ता?